हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। देखिए, हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है अपनी तरफ और यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। डीप नेक के, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5 इंच और आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। अब हम यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। 32 का फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही गोलाई करनी है। कमर का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कटिंग कर देंगे। नीचे से भी जो लाइन ड्रॉ की थी हमने उसे भी कट कर लेना है और इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है। इसके बाद अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो नेक वेट तो मैं रख रही हूँ 2 इंच। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। गले की लंबाई ली है 9.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। 3.25 इंच विड्थ में लिया है। ये देखिए, स्क्वायर एक बॉक्स हमें यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ मार्क करेंगे 2 इंच पर और यहाँ भी 3.25 इंच विड्थ में मार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से गले का शेप ड्रॉ कर लेना है हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये शेप बना लिया है। ये नेक हमारा बाहर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ इस पर एक अलग से डिज़ाइन हम बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देना है हमें। अब इस गले को हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से नेक को हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कट कर लेना है और ये जो हमने ऊपर की तरफ मार्किंग की थी इसे भी हम कट करके अलग रख लेंगे। अब इसे देखिए मेन फैब्रिक के साथ रख लेना है और जो बीच का पैटर्न निकला है उसके लिए अलग से हम कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ले लेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे 2 कपड़े निकल जाएंगे। अगर आप अंदर की तरफ अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ अंदर की तरफ भी। तो इस तरीके से नीचे से हमें 1 इंच और साइड से भी 1 इंच बढ़ाकर इसे कट कर लेना है और इसे हम पेपर पेस्टिंग पर भी कटिंग करेंगे। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे पेपर पेस्टिंग पर भी रख कर आपको कट कर लेना है। ये देखिए, पेपर पेस्टिंग पे भी मैंने इसे कटिंग कर लिया है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद देखिए, हमें गले के ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। तो जो हमने गले का शेप कट किया है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही सिलाई हमें लगानी है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को कट करना है और पूरे ही गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। देखिए, गला मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इस तरीके से पूरे ही गले के पैटर्न पर कट लगाने हैं हमें। कट लगाने के बाद गले को हम अंदर की तरफ पलट कर सीधा कर लेंगे।
इस तरीके से हमें गले को पलट कर सीधा कर लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ नेक हमारा पलट गया है यहाँ पर, और अब हमने सिलाई लगा देनी है। तो गले के ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसे साइड से सिलाई लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है यहाँ पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है, अब इसका जो सेंटर वाला डिज़ाइन है उसे हम रेडी करेंगे। तो देखिए फैब्रिक मैंने लिया है इस तरीके से, और इसके ऊपर रख लेंगे हम पेपर पेस्टिंग। तो इसे ऊपर की तरफ से उल्टा रखना है और पेपर पेस्टिंग को इसके साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग बाहर की तरफ था उसे मैंने कट कर दिया है, और अब इसे पलट कर हमें सीधा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरीके से, और अब हमने इसे पलट के अंदर की तरफ कर देना है और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से पलट कर सीधा करने के बाद इसे सिलाई लगा कर कंप्लीट कर देंगे साइड से, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है बाहर की तरफ उसे हमने कट कर देना है। अब देखिए स्क्वायर पीसेस लिए हैं मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए, और आपको यहाँ पर पट्टी लेनी है सीधी या रेप में कैसी भी आप ले सकते हैं। इसकी हमें डोरी बनानी है, तो इस तरीके से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके हमें यहाँ पर इसे पलट कर सीधा करना है। तो सुई धागे की मदद से आप इस डोरी को पलट कर सीधा कर लें। ये देखिए इस तरीके से मैंने डोरी को पलट करके सीधा कर लिया है, और इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कट कर लेने हैं, और इसके लूप बनाकर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको लूप बनाने हैं और यहाँ पर अटैच करना है, और जो स्क्वायर पीसेस हमने लिए हैं उसे भी हमें ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए यहाँ पर अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो ऊपर की तरफ नेक है हमारा, वहाँ पर हम ये डिज़ाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है, और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे लेस। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये जो पैटर्न है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो पहले आपको इसे अच्छे से यहाँ पर बराबर करके रख लेना है और पिन लगानी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे पिन से अटैच कर दिया है, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देना है, और इसके बाद हम यहाँ पर लेस अटैच कर देंगे गले के ऊपर, और ये जो डिज़ाइन का शेप बना हुआ है यहाँ पर आपको देखिए प्लेट्स डालते हुए लेस को अटैच करना है, ताकि जो गले का शेप है वो बिल्कुल बराबर से दिखे।
गले के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें लेस लगा, यहाँ पर लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सेंटर से कपड़े को, सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करना है और दोनों ही तरफ 4 इंच की लंबाई में आपको प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी लगानी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब ये जो ऊपर की डिज़ाइन बनाई थी हमने, वहाँ पर लगाने के लिए छोटे और बड़े मोती लेने हैं आपको। तो ये जो ट्रायंगल बनाए हैं इन पे हम लगाएंगे छोटे साइज़ के मोती, और बड़े साइज़ के जो मोती है वो हमने जो लूप अटैच करे हैं उसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें लगाना है, पूरे ही पैटर्न के ऊपर हम इसी तरीके से मोती अटैच कर देंगे। सुई में आपको 4 फोल्ड करके धागा लेना है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए हमारे जो डिज़ाइन है और मोती निकले ना। तो पूरे पैटर्न को मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ और ये डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।